हेलो जी नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज ट्राई करने जा रहा जी भाई बिहारी मटन करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। ठीक है जी भाई, ये जी मटन है ठीक है, करीब 850-900 ग्राम होगा, किलो नहीं है पूरा। ठीक है, इसमें डालेंगे जी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी भाई 1/2 चम्मच, नमक भाई स्वाद अनुसार, मस्टर्ड का तेल यानी सरसों का तेल भाई 2 टेबल स्पून। तो जी इसे मिलाओ चंगी तरह से। तो जी हल्का सा मैरिनेट हो चुका है, तो इसे करीब 1/2 घंटे के लिए छोड़ दो। तो दोस्तों नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, कुकर मैंने लगा दिया जी, तेल मैंने डाल दिया जी, सरसों का तेल मस्टर्ड तेल है जी, करीब 12-13 टेबल स्पून होगा क्योंकि गर्म हो रहा है। तो दोस्तों तेल गर्म हो गया जी, इसमें डालेंगे जी 1 चम्मच भाई साबुत जीरा भाई डाल दो, 5 इलायचियां, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, 4 मिर्चे लाल, 1 चम्मच काली मिर्च साबुत काली मिर्ची। तो जी मिला मिलो लो चंगी तरह से, और सॉरी तेज पत्ता भी डालो 2, तो मिलाओ जी अच्छी तरह से भाई। सोंगी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है जी। ठीक है जी, अब डालेंगे जी इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मिला लो चंगी तरह से। लगिया डालेंगे जी प्याज, ये 4 प्याज जी। ठीक है जी, तो जी मिला मिलू लो अच्छी तरह से। अब गैस का फ्लेम हाई करो और इसे हल्का ब्राउन होने तक पका लो जी इस प्याज को। तो दोस्तों प्याज अपने हल्के हल्के गुलाबी हो गए हैं, अभी ब्राउन नहीं हुए, गुलाबी हो गए हैं। तो इसमें डालने जा रहा हूँ जी मैं 2 थोम बड़े बड़े। ठीक है जी, इसको भी मिला मिलू लो अच्छी तरह से। तो जी मसाले तो अपने पक गए हैं जी, और प्याज भी पिंकिश हो गया है, हल्का हल्का ब्राउन भी हो गया हुआ है। तो इसमें डालेंगे जी मटन सारे का सारा। तो ध्यान रहे मैंने अभी गैस का फ्लेम लो किया हुआ है, ठीक है ना। तो जी मिला लो उसको चंगी तरह से। तो जी मीट ऐड करने के बाद अब करीब 5 मिनट तक इसको पका लो। ठीक है जी, हाई फ्लेम पे कड़छी चलाते रहना। तो दोस्तों 5-6 मिनट हो गए जी पकते हुए जी। ठीक है जी, अब मैंने गैस का फ्लेम लो किया हुआ है भाई। इसमें डालूंगा मैं 1 चम्मच जीरा भाई, 1 चम्मच भाई धनिया पाउडर, थोड़ा और कर दो। तो जी इसे चंगी तरह से मिला लो। तो भाई मसाला मिलाने के बाद अब करीब इसे ना आप 1 मिनट तक पकाओ हाई फ्लेम पे, लेकिन कड़छी चलाते रहना जैसे मैं चला रहा हूँ। अब हम डालेंगे जी इसमें भाई 3 टमाटर। ठीक है जी, डालो। तो जी इसे अच्छी तरह से मिला लो भाई। टमाटर मैंने मिक्स कर दिए जी। अब इस पे आपने ढक्कन रखना है, गैस का फ्लेम लो करना है, और 10 मिनट तक इसको पकाओ लो फ्लेम पे। तो दोस्तों 10 मिनट हो गए जी। ओह कितना पानी छोड़ दिया जी मीट ने भी और साथ में टमाटरों ने भी। तो करना क्या जी, अब हमने इसमें कुछ मसाले मिलाने हैं भाई। 1.5 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी। तो इसे अब मिला लो अच्छी तरह से, और गैस का फ्लेम हाई करो, और इसे करीब 5-6 मिनट तक और पका लो हाई फ्लेम पे, और कड़छी जो है बीच बीच में चलाते रहना। तो भाई दोस्तों भाई देख लो, हाँ पक गया है मसाला प्रॉपरली। अब करना कुछ नहीं है जी। ठीक है, अब मैं एक बार गैस का फ्लेम लो कर रहा हूँ, और इसमें 2 गिलास पानी मिला रहा हूँ, और नमक भी ऐड करता हूँ। भाई नमक ध्यान से, क्योंकि मैंने मैरिनेशन में मिलाया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान से मिला लो इसे चंगी तरह से। तो अब मैं इसका ढक्कन बंद कर रहा हूँ हाई फ्लेम पे। 1 सीटी का वेट करोगे, सीटी निकलते ही गैस का फ्लेम लो करोगे, और 15 मिनट तक इसको आप लो फ्लेम पे पकाओगे। तो दोस्तों भाई सारा प्रेशर निकल गया। ओए होए होए, फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास। लो जी लो बन के तैयार है जी, अब करते हैं जी टेस्ट। तो दोस्तों भाई खाने के भावनाओं में खोने से पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ भाई। बात इस प्रकार से है कि कुछ क्रिटिक्स है, मैं उनको भाई नहीं बोलूँगा, क्रिटिक्स बोलूँगा, जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है। भाई मैं भी जानता हूँ देश में क्या हो रहा है, कोरोना फैला हुआ है, मेरा ही देश है, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, और जानता हूँ क्या क्या हो रहा है भाई। मैं बकरे खा रहा हूँ, मैं मुर्गे खा रहा हूँ, मैं ऐश कर रहा हूँ, मैं आबाद हो रहा हूँ, मैं ऐसा हो रहा हूँ। भाई मुझे ये बताओ, बस एक बात बताओ कि क्या आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ है, क्या आपने अपना काम छोड़ दिया हुआ है, क्या आपने अपनी नौकरी छोड़ दी है, क्या आप जो अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो क्या आपने प्राइवेट जॉब छोड़ दी है, अगर आप बिजनेस करते हो क्या आपने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं, क्या अगर आप सरकारी बाबू हो क्या आपने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ है। तो भाई यही चीज़ कहनी थी आपसे, ताकि मैं खाने के बीच में अगर चीज़ शेयर कर दूँ तो यार फिर ना जो मेरे अपने हैं, जो चाहने वाले हैं, उनका थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। तो लो दोस्तों भाई बन के तैयार हो गया जी अपना भाई बिहारी मटन करी। भाई देखो यार, भाई देखो ग्रेवी देखो,
ग्रेवी क्या दिखाऊं, ये मक्खियां मुझे बहुत तंग करती है भाई। अगर मक्खियों का कोई इलाज आपके पास हो तो मुझे प्लीज़ बता देना, सब दवाइयां छिड़क दी हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे को यार, ये मेरे पे हमले पे हमले किए जा रही हैं। भाई देखो यार, भाई देखो लोडेड पीस निकलो भाई, ये वो देखो, यही तो उसका TRP है, सॉरी USP भाई देखो यार, ये राइफल वाला पीस देख लो। ओ भाई साथ में क्या लिया जी, साथ में लिए हैं जी ये निक्के मोटे प्याज, ठीक है जी। अब मुद्दा क्या है, अब मुद्दा ये कि जो ग्रेवी है ये प्यारी सी ग्रेवी ना, ये बनी कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है भाई, नमक ठीक है, ज़्यादा नहीं हो गया। देखो जी देखो ये मक्खियाँ कैसे मंडरा आ रही है मेरे ऊपर, पंखा भी बंद किया ना ताकि नॉइस ना आए। तो ओ भाई उसको टेस्ट करते भाई, टेक्स्चर देखो बड़ा मोटा मोटा टेक्स्चर है, क्यों इतना पक किया हुआ, इतना पकाया हुआ इसे हमने, है ना, मतलब सीटियों से पहले। भाई वाकई में यार, रुको रुको, ओए ओए भाई ग्रेवी बड़ी मस्त, बड़ी प्यारी बनी है यार, मतलब कि सही में कह रहा हूँ, ग्रेवी बड़ी प्यारी बनी है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि हमने उसको इतना पकाया होता है, इतना पकाया होता है कि वो मसाला पक पक के इतना टेस्ट, इतना फ्लेवर छोड़ देता है जो मैं अभी इंजॉय कर रहा हूं। तीखा तीखापन, जो मैंने वो लाल मिर्चियां डाली थी चार, ओए होए बड़ा प्यारा मीठा, सॉरी तीखापन अच्छा रहा है। तो भाई मुद्दा किसका है, मुद्दा है कोई पीस पूस का, हाँ भाई पीस कोई निकाले कोई अच्छा सा, तू ही आ जा, तू ही आ जा, तू ही आ जा, तू पहले आया था ना, तू ही आ जा पहले। अब देखते हैं कि इस ग्रेवी के साथ मिला के इस मटन के पीस का क्या टेस्ट आने वाला है। भाई देखो गल गया, पूरा गल गया हुआ है प्रॉपरली। ओ भाई इसे खाते हैं, लगा लगा के मतलब कि कोई कोई रेसिपी ऐसी होती है, मतलब कि खाने की नौबत नहीं पड़ती पूरी, बस जुबान पे रख दो और वो अपने आप को बयान करना स्टार्ट कर देता है, भाई मैं कैसा बनाऊं। ये वही चीज़ है भाई, मेरे सब बिहारी भाइयों को और मेरी बहनों को ढेर सारा प्यार भाई, क्या रेसिपी है यार, जबकि ये कुकर में बनाया हुआ है। अगर मैं सोचूं कि कढ़ाई में बनाया हो, है ना, पक पक के कढ़ाई में 2 घंटे के लिए, क्या स्वाद आएगा यार। आओ आओ थोड़ा वो टेस्ट करते हैं इसे, ये काली मिर्च ना ये भी मैं फिट करता हूँ इसके अंदर। जबरदस्त मतलब कि जबरानजा टाइप, हाँ उसी लेवल पे, थोड़ा उसे ऊपर ही होगा ऐसा। थोड़ा और इन्जॉय करते हैं, कोई अच्छा सा पीस निकाल के, ये ठीक है यार। आ जा भाई, थोड़ा आपको बताऊंगा ना विस्तार से, देखो है सही नहीं। तो भाई ये काली मिर्ची बड़ी टेस्टी होती है, मिलाओ जी, डालो जी डालो। भाई वाकई में जो मैरिनेशन की स्टार्टिंग में की थी ना, वो तेल की, मस्टर्ड तेल की, वो कहीं ना कहीं ना इफेक्ट लेता है थोड़ा टेस्ट को ना, थोड़ा सा अच्छा बनाने में या थोड़ा अलग बनाने में। वाकई में यार ऐसा लगता है जैसे ना, क्या ही बताऊं मैं आपको यार, ऐसा लगता है कि मक्खन मलाई जैसी, एकदम मक्खन मलाई जैसी ग्रेवी है ये, एक होती पानी जैसी, ये वैसे ही नहीं है यार। भाई भाई स्वाद है। तो भाई ग्रेवी ग्रूवी पीस पूस तो हो गया भाई, किंग छटपटा रहा है अपने बिहारी मटन के लिए, अब किंग को लेके आते हैं। तो लो दोस्तों भाई किंग की एंट्री हो चुकी है, आज भी किंग बड़ा लहरा के देख रहा है हमको। हाँ देखो, हाँ इसे मालूम है कि आज बिहारी मटन करी आने वाला है, देखो कैसे दाने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो भाई सबसे पहले क्या किया, अरे राइफल तो ऊपर ही बैठा हुआ है कड़छी के ऊपर, पहले तू ही आ जा, पहले हम राइफल वाले पीस से निपट लेते हैं। भाई अंदर है भी कुछ कारतूस या नहीं है, बड़ा गर्म है, ओए अरे थोड़ा सा चिटकू सा निकला, चिटकू सा। हाँ भाई स्वाद है यार, स्वाद कारतूस का एकदम स्वाद है। निकल गया सारा निकल गया। तो भाई आओ भाई ग्रेवी देखो कितनी प्यारी है ना, कोई पीस पूस भी निकाल लेते साथ में।
यार एक कारतूस और भी है बिना छत के, देखे जरा इसमें है कुछ, इसमें छत ही नहीं ऊपर, और अपने आप निकल गया देखो। हाँ तो दुगना मजा हो गया, दुगना मजा। तो आ भाई, आ भाई। बहुत ही लजीज टेस्ट है, थोड़ा और एंजॉय करता हूँ। क्या बोलना आपको यार, अल्फाज ही नहीं है। और किंग जो है ना, किंग मैं आपको पहले बोलता आ रहा हूँ कि किंग जो है गेम चेंजर है, सच में कह रहा हूँ, बना के देखना, एंजॉय करोगे, एंजॉय। रेसिपी में दम है, दम, सच में कह रहा हूँ, पूरा दम है। मैं कि हमने हांडी बनाया था, हांडी में याद है ना आपको, हमने हांडी में बनाया था, उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, क्योंकि उसमें हांडी का भी फ्लेवर आता है ना बीच में यार। मैं ये नहीं कहता कि हांडी वाला इसे कम है या उससे ऊपर है, बट ये सच्चाई है कि हाँ कुकर में भी यार ज़बरदस्त। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कढ़ाई में बनाया जाए, कढ़ाई में मतलब कि दो दो घंटे तक पकता रहेगा, क्या फ्लेवर देगा यार, वो भी सोचने वाली बात है यार। भाई एक चीज़ खाना तो लास्ट टाइम भूल गया था। जब हमने एक बार हांडी बनाया था जी, वो लेकिन अलग तरह की रेसिपी थी भाई। ये गार्लिक, ये थोम, यही तो इसका यूएसपी है ये। हाँ भाई वो जब फिट, और मैं देखता हूँ क्या टेस्ट आएगा। क्या बोलूँ यार, क्या टेस्ट है इसका भाई। ये तो आपको बना के ही मालूम पड़ेगा इसका टेस्ट कैसा है, ऐसे कैसे समझाऊँ मैं आपको, मुश्किल है थोड़ा और बनता है यार। वाकई में यार कितना प्यारा फ्लेवर देता है यार, ये इतना मिठास है इसके अंदर। मैं थोड़ा पीस पिला दो, पीस निकालना पड़ेगा ना यार। हाँ भैया थोड़ा पीस भी ऐड कर देना इसके अंदर, फिर देखते हैं क्या जुगलबंदी होती है इसकी, इस पीस की और इस थोम की। लॉक हो गया, पानी लॉक हो गई यार। वाकई में यार गजब रेसिपी है, किसने बनाई है, हाथ चूमने का दिल करता है बंदे का यार। बल्कि क्या दिमाग होगा उसके अंदर की, ये थोम डालने से क्या टेस्ट, क्या फ्लेवर आता है इसका यार। तो दोस्तों भाई ये था बिहारी मटन करी, आप भी ये जरूर ट्राई करना। हाँ तो मुझे बताना भाई कैसा लगा, तो अब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।